Assalamualaikum. सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें. दोस्तों, ड्रामा सीरियल चीख के आज के एपिसोड में आपने देखा कि वजीर मन्नत का पीछा करता रहता है. वो मन्नत को इतनी आसानी से छोड़ना नहीं चाहता, वो मन्नत को इतनी आसानी से आज़ादी देना नहीं चाहता. वो चाहता है कि मन्नत तरसे तड़पे, लेकिन मन्नत ने भी कसम खाई है कि वो नायाब का बदला लेकर ही रहेगी, वो वजीर को नहीं छोड़ेगी. वजीर मन्नत के सामने आता है और उससे कहता है कि क्या कहा था तुमने कि मैं अगर मर्द का बच्चा हूँ तो तुम्हारे सामने आऊं, तुम्हारा मुकाबला करूं. तो फिर लो मन्नत, आज तुम्हारी बारी है. तुम खुद को कितना बचा सकती हो, कितना भाग सकती हो, तो भागो. और वो अपने पीछे गाड़ियों को आवाज देता है कि मन्नत का पीछा करो और उसे मारो. मन्नत डरती हुई भागती जाती है और इतनी हिम्मत करती है कि वो खुद को बचा सके. लेकिन दोस्तों, वजीर भी बहुत ही बेगैरत इंसान है क्योंकि वो अपनी ही भाभी पर हमला कर रहा है. दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि मन्नत को टोकर लग जाती हैं और वो मुंह के बल गिर जाती हैं, लेकिन वजीर को अभी भी शर्म नहीं आती. वो अभी भी मन्नत को छोड़ना नहीं चाहता. वो नहीं चाहता कि मन्नत आज़ादी से घूमे फिरे, क्योंकि गलत तो उसने किया है, तो वो क्यों मन्नत को छोड़ेगा. अपनी गलती का सारा इल्ज़ाम जो उसने मन्नत पर डालना है. दोस्तों, इसके बाद आप देखेंगे कि शायान रो रहा होता है. यावर भाई उन्हें चुप करा रहे होते हैं, लेकिन शायान रो रहा होता है. शायान के रोने की वजह ही यही है दोस्तों कि मन्नत की तबीयत ख़राब हो गई है और स्ट्रेस की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, जिससे मन्नत को ज़हनी तनाव से और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने की वजह से मन्नत की तबीयत ख़राब होती जाती है और उसे दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं. दोस्तों, ये सब किया वजीर का ही है और आखिरकार वजीर को अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी. आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट में अपनी राय का इजहार करना ना भूलिएगा. लाइक करके ज़रूर बताइएगा. शुक्रिया.